हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद विपक्ष के बीजेपी विधायकों ने बिलासपुर के अली खड्ड पर बनने वाली पेयजल योजना में महापंचायत के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इससे पहले जब विपक्ष के विधायक विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य बिलासपुर के अली खड्ड पर बनने वाली पेयजल योजना के विरोध कर रहे लोगों के साथ विधायक रणधीर शर्मा को पुलिस की कार्रवाई के दौरान चोट लगने का विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और अन्य पर डकैती का केस बनाया गया है, जो कि सरकार गुंडागर्दी को दर्शाता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, इस गवर्नमेंट के अनेकों कमियों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और धक्काशाही जो करने की आदत इस गवर्नमेंट की है, वो फिर से दो दिन पहले बिलासपुर जिला के अंदर उजागर हुई है। अली खड्ड एक बिलासपुर के अंदर है जिसका पानी बिलासपुर की लगभग 25 वाटर सप्लाई स्कीमों और 7 इरीगेशन स्कीम्स और अन्य कूलों के लिए वहां पर पानी जाता है। वहां से प्रदेश सरकार ने एक स्कीम बना करके अर्की क्षेत्र के लिए पानी देने की स्कीम बनाई है, उसके विरोध में लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा था। 20-22 दिन से लोग धरना दे रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और दो दिन पहले वहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया और जो वहाँ पर ठेकेदार है उसने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी जो मुद्दा हमारे रणधीर शर्मा जी वहाँ के विधायक हैं उन्होंने उठाया था, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग उस काम को रोकेंगे, पूरी रिपोर्ट मंगवाएंगे ताकि वहाँ की जो चलती हुई वाटर सप्लाई इरीगेशन स्कीम्स और कूलों का काम है, पानी है, वो कहीं ऐसा ना हो कि सूख जाए और उस क्षेत्र में दिक्कत आ जाए पानी की। लेकिन ठेकेदार ने काम नहीं रोका, लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर धरना दिया गया, और धरना देने वालों को जब डराया गया, हमारे विधायक रणधीर शर्मा जी भी वहाँ पर पहुँचे, जिला परिषद, गांवों के प्रधान, बीडीसी मेंबर, अलग अलग पदों के लोकतांत्रिक निकायों के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उन सब के साथ पुलिस ने धक्काशाही की।